हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही दमदार टॉपिक। आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एक एक एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, वो चीज़ हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे कि भाई फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। यहाँ पे H3O पॉजिटिव और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और यहाँ पे NO2 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि भाई फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है। अब यहाँ पे जैसे ये 3 मॉलिक्यूल हैं, अब एक एक एटम का, भाई ऑक्सीजन का हम लोग अलग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन का अलग निकालेंगे। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमको फॉर्मल चार्ज बता दीजिए। कोई भी मॉलिक्यूल आपको सिंपली दे दिया जाएगा और फॉर्मल चार्ज आपसे निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग पहले लिखेंगे। एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। देखो फॉर्मल चार्ज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं FC, फिर इजिकल टू यहाँ पे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग निकालेंगे भाई किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज। तो देखो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोगों को पहले हम बनाना पड़ेगा छोटा सा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप इस वीडियो में अच्छे से सीख जाएंगे। अभी मैं 1x1 करके इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर आप किसी भी मॉलिक्यूल का आसानी से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं ले लेता हूँ। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया भाई। यहाँ पे इसके कितने यूज़ हो गए, 2 लोन पेयर यूज़ हो गए, तो कितना बचा, यहाँ पे 1 लोन पेयर इसके पास बचा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब या इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग, इस स्ट्रक्चर में हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, और फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन के पास, 1 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 ही होती है। भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन के पास, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो बॉन्ड कितना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हमको देखने हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 -1 और कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फॉर्मल चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा 0। भाई इसके पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, दिख भी रहा है यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी जो है वो 1 ही होती है, और 1 बैलेंसी होती है तो वो तो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कोई नहीं है। हमको ऐसे भी स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है और हमने जो फॉर्मूले से निकाला है उसमें भी 0 आ रहा है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे पहला वाला एग्जांपल। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि भाई फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। लेकिन यार सॉरी, अभी रुको, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वही वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ अभी, सॉरी मैंने मिटा दिया था, लेकिन अभी इसमें एक ही हाइड्रोजन का निकला था, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन के पास जो है
फॉर्मल चार जो है वो जीरो है, इसके पास भी जीरो होगा, इसके पास भी जीरो होगा, इसके पास भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालता हूँ मैं, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 6, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं, इस समय जो लोन पेयर यहाँ पे बचे हुए होते हैं वही हमको दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लोन पेयर बचा है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर माइनस लगा देना है, और यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इसके पास 2, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड पेयर पूछ रहा है ना, तो बॉन्ड पेयर बताना पड़ेगा आपको, देखो 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैन 2 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हाँ लोन पेयर कितना है भाई, 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 6 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 5, ठीक है, नंबर्स जुड़ जाते हैं लेकिन साइन जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा, 1, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे निकला है वो 1 बचा है देखो। अब यहाँ पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दिखा रहा ना, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो यानी कि इसके पास फॉर्मल चार्ज जो है वो एक ही है केवल, ठीक है, एक ही फॉर्मल चार्ज है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है हमको, और हमने जो फॉर्मूले से निकाला वो भी प्लस बन ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पहला वाला एग्जांपल समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे वाले एग्जांपल पे चलते हैं और फॉर्मल चार्ज निकालते हैं एक एक एटम का, ठीक है। तो देखो दूसरा वाला एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन, अब इससे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं इससे, और इनका जो है हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। तो देखो अभी जैसे मैंने पीछे वाले स्ट्रक्चर में निकाला था हाइड्रोजन का इसका, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है। देखो देखो वहाँ हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, अब यहाँ पे भी वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे वाले स्ट्रक्चर में निकाला सेम वही कंडीशन रहेगी, इस पर भी 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, इस पर भी आएगा, इस पर भी 0 आएगा। अब बात करते हैं यार नाइट्रोजन की, ठीक है, तो मेन चीज़ नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिखने पड़ेंगे, तो कितने होते हैं 5, ठीक है, तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब लोन पेयर ऑफ कितना प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, लोन पेयर है ही नहीं भाई, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं टोटल, ठीक है, 4 तो उसने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे हम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो 2, 4 जा 8, तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पे +1 फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा +1। यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है, स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और हम लोगों ने जो मतलब फॉर्मूले से निकाला उसमें भी +1 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सेकेंड वाला भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाला थोड़ा टफ है, उसमें हम लोग अच्छे से निकालेंगे, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, फिर आप कहेंगे भाई समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ी होंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी। डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन पे तो प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन पे होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे, अब इस पर प्रेजेंट होगा या इस पर प्रेजेंट होगा, तो वही हम लोग फॉर्मल चार्ज से निकालेंगे कि भाई किस पे फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस वन दिख तो रहा है, लेकिन अब इस पे होगा या इस पे होगा वो चीज़ हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस नाइट्रोजन का फॉर्मूल चार्ज निकाल लेता हूँ कितना है। तो देखो यहाँ पे इसकी बैलेंसी जो है नाइट्रोजन की 5 और माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ते हैं 2, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कितने बना रहा है, ये 2 to 4 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाने से मतलब नहीं है, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लिखने पड़ते हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 to 4 to 6 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ से ये काट देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 - 2 - 3, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे नंबर जो है वो जुड़ जाएंगे लेकिन जो साइन है वो वही रहेगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज जो है नाइट्रोजन पे 0 है, हमको दिख रहा है यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है नाइट्रोजन पे, तो यानी कि फॉर्मूले से जो निकला है वो सही निकला है, ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इस वाली ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। अब देखो 2 तो इसने बॉन्ड बना लिए, बचे कितने 2, यानी कि 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का हम लोग निकालते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस, ठीक है। अब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4, ठीक है। अब माइनस लगा देते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बना रहा है 2 to 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 - 4 - 2, अब वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे भी 0 बचा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे भी भाई 0 है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है हमको, और फॉर्मूले से जो निकाला वो भी वही है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये जो दूसरी वाली ऑक्सीजन है इस पे तो होगा ही होगा, लेकिन निकाल के भी तो देख लेते हैं भाई कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इस पे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो निगेटिव चार्ज है, अब एक तो इसने बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो देखो यहाँ पे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके लिख देता हूँ मैं, कितना है 6 माइनस और माइनस, और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 4 माइनस, और इसने बॉन्ड कितने बना लिए हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 4 और माइनस 1, ठीक है। तो 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 फॉर्मल चार्ज +1 निकल रहा है, लेकिन होना चाहिए माइनस का, ठीक है। 6, अच्छा हाँ, एक जो है इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये भी हो जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to 4 और 2 to 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 ना रख के 6 रखूँगा, तो यहाँ पे मैं 6 रख दूँगा, तो यहाँ पे जो है माइनस और माइनस में जो नंबर हैं वो जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 6 - 7 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज प्रजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो बाय बाय।